नमस्कार ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका आज फिर से स्वागत है हमारे जो आज के मेहमान हैं वही हैं यशपाल जी जो पंजाब हिमाचल पठानकोट एक ही जगह से आए हुए हैं मैं कभी पंजाब बोलती हूँ कभी हिमाचल बोलती हूँ लेकिन दोनों के अंदर एक ही आता है पठानकोट मित्रों यशपाल जी की एक बात ये भी सुनने में आई है कि वो एक मौन साधक कवि भी हैं हाँ ये बात सच है कि जितना हम मौन में रहे हमारे अंदर की उतनी व्याख्या बाहर निकलती रहती है उतना हम आ, उन कोरे कागज में लिखने की कोशिश करते हैं अपनी जीवन शैली को लेकिन मौन रहना कौन चाहता है ये तो अभ्यासी लोग हों वही रह पाते हैं पिछली कड़ी में हमने चिराग किताब में से ली हुई दीप यात्रा उसके हमने तीन विभिन्न भागों में बात की थी उसका अभी ये तीसरा है आइए बात करते हैं दीप यात्रा से और उनका मैं आपका और आप उनका स्वागत करते हैं यशपाल जी आज फिर आपका एक बार स्वागत है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया जी धन्यवाद हम आपकी चिरा किताब में से दीप यात्रा के बारे में बात कर रहे थे जिसकी हाँ। हमने तीन विभिन्न भागों में बात की अभी हमारा ये शायद चौथा है हां तो आपने जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में अभी बोला कि आप एक मौन साधक कभी भी हैं मौन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए साधना मौन में जितना मौन रह करके साधक काम करेगा जी वो उतना सफल होगा और जब तक काम संपन्न नहीं होता किसी को अपना मौन तोड़ना नहीं चाहिए जो ज्यादा बोलने वाला साधक है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता hmm. समाज में कुछ हमारे ऐसे मित्र भी कह सकते हैं संबंधी कह सकते हैं जो हमारे लक्ष्य में बाधा बन जाते हैं मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आदमी का जो लक्ष्य है जिस काम को उसने आरंभ किया है जब तक वो संपूर्ण हो जाए hmm. लोगों के सामने ना आ जाए तब तक उसे अपनी जबान नहीं खोलनी उसे मौन रहना चाहिए hmm. क्योंकि जो मौन है ये आदमी एक शक्ति जो उसके अंदर रहती है वो ही काम करती है अगर ज्यादा बड़बड़ करने वाला आदमी है वो समझिए वो कहीं पहुंचेगा नहीं लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है जैसे हाँ। मैं अपनी बात ले लेती हूँ हाँ। मैं ज्यादा बोलती हूँ बोल, मतलब एक ज्यादा बोलना पसंद है मोन रहना पसंद है मोन भी वो तब जैसे हम बाई चांस एक ब्रह्मा कुमारी में, हमारे में योग सिखाया जाता है तो योग मोन में ही होता है या फिर जब हम ज्यादा साइलेंस में हो तब होता है लेकिन मैं आपने कहा कि जो ज्यादा बोलता है वो ठीक नहीं होता है देखिए आदमी का काम बोले आदमी ना बोले जब एक चीज समाज के सामने आ जाती है तो लोग बोले साधु क्यों बोले जो साधु ईश्वरीय साधना का है चाहे वो अध्याप चाहे वो किसी भी कला का है आध्यात्मिक साधना है ईश्वरीय साधना है या चित्रकारी की साधना है या दूसरे गायन विद्या है तो लोग उसका काम देखना पसंद करते हैं उसका बोलना पसंद नहीं करते उससे लोग उसे पूछें उसे वाह वाह करें यार आपका काम देखा अगर वो पहले ही बोलना शुरू हो जाएगा और काम उसको उसका, उसका कोई पसंद ना करे वो बात क्या बने हाँ, लोग काम देखते हैं काम बोले आदमी का आदमी ना बोले आदमी उस समय बोले जब मित्र उससे सवाल में बात काटती हूँ हाँ। काम के साथ साथ अगर व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो क्या वो नहीं मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो साधक जी ईश्वरीय या साहित्यक वो काम में ज़्यादा यकीन करते हैं अगर वो बोलते ही रहेंगे तो काम कब करेंगे वो ये एक ऐसी एनर्जी है मौन जो आदमी को लक्ष्य तक पहुँचाती है उसके काम तक पहुँचाती है जो बोलने वाला है वो आगे पहुँच नहीं पाएगा उसमें हाँ। आने वाले कई ऐसे मित्र हैं कि ऐसे संबंधी हैं जो बीच में आगे रोड अटकाएंगे मेरे अपने जीवन का एक निजम है कि मैं जिस काम को लेता हूँ चाहे मेरी कविताएँ हैं चाहे कहानियाँ हैं चाहे उपन्यास हैं चाहे वो, है, वो यात्रा संस्मरण हैं तो मैं जब तक उनको पूर्ण नहीं कर लेता हूँ और जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाती हैं मैं किसी को बताता नहीं जब वो सामने आ जाता है समाज के सामने जब उनकी हम रिलीज करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा किताब ही आ गई है यार आपने बताया ही नहीं तो मैं काम में विश्वास करता हूँ बोलने में नहीं मैं मेरा विश्वास ज़्यादा नहीं है हाँ आपकी चिराग ही नहीं बल्कि आपकी बारह किताबें हैं हाँ। ये ये आपने कैसे मतलब सोच समझ के शब्दों को लेके किताबों को शुरू किया या ऐसे ही मतलब बस लिखते गए तो किताबों का विभाजन होता गया ये जो कलाएं हैं चाहे वो साहित्यिक है चाहे वो चित्रकारी है चाहे वो गायन है ये सब के सब सरस्वती की देन है माँ सरस्वती जिसके ऊपर मेहरबान होती है उसे वो कला देती है और मैंने सरस्वती का पहले कि माँ सरस्वती है अगर समाज में में हमारे देश सरस्वती ये ना बांटती हाँ। तो इतनी अच्छा साहित्य ना लिखा जाता इतने रोमांटिक गीत हाँ, हाँ। इतने भजन जी, इतने शब्द जी, जी, ये ना लिखे जाते हाँ। और दुनिया बेरास होती और बेरस जहाँ होगा वहाँ कौन कौन जीना पसंद करता है हाँ आपने आ, मतलब एक कविता ही नहीं हाँ, उपन्यास भी आपने हाँ, लिखे हुए हाँ, हैं हाँ, आपने कहानियां भी लिखी हुई हैं अपनी हाँ, कविताओं को भी लिखा हुआ ये अलग अलग होते हैं या इन कविताओं के साथ ही इनको इंक्लूड किया जो कविता है वो एक भाव है हुँ. उस भाव के ऊपर जब माँ सरस्वती एक विचार देती है तो वो एक रिंग बनता है दिमाग के ऊपर वो दिन रात चलता है उस रिंग को जब तक वो आदमी कलम पे उसे कागज के ऊपर उसे लिख ना लेगा उसे चैन नहीं मिलेगा हाँ। जिसने काम करवाना चैता कौन है हम तो निमित है हमसे काम करवाने वाली माँ सरस्वती है हाँ। उसकी इच्छा से है और जो कविताएं हैं इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती अच्छा। शायरी के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती कि मैंने कब क्या लिखना है अच्छा यो हमारा उपन्यास है उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है अच्छा। उपन्यास जीवन का संपूर्ण अंग है और कहानी एक जीवन का एक घटक है एक अंग है लेखन में दो चार पाँच पेज में और जो उपन्यास होते हैं वो तीन तीन सौ चार चार सौ दो सौ का डेढ़ सौ का इतने तब उसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है अच्छा इसलिए जिस जगह जिस चीज के बारे में जिस प्रदेश के बारे में जिस करेक्टर के बारे में जिस भाषा के ऊपर हम उस इलाके विशेष की जो जो भाषा है उसके ऊपर उसे काम करना पड़ता है समझना पड़ता है पात्रों की भाषाओं को उसके मुताबिक बनाना पड़ता है तो जो प्रयास है उसमें सब कुछ आ जाता है जी, उसमें राजनीति भी आती है उसमें समाज के पहलू भी आते हैं सुधारों के भी आते हैं उसमें पोइट्री भी चलती है उसमें गाने भी चलते हैं हाँ 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 मतलब आप एक कविताएं ही नहीं आप ये सब चीजों को इसमें विचार मंथन करते हैं हाँ। फिर आप इसको लिखते हैं हाँ। तो अगर हम जैसे इसको लिखते हैं तो उसी टाइम आपके शब्द बनते जाते हैं या पहले सोचते हैं कुछ प्रकृति के बारे में कुछ इंसान के बारे में या कुछ किसी व्यक्ति के बारे में या जैसे आपने महिलाओं का यहाँ पे व्याख्या व्याख्या की हुँ? उनके बारे में तो ये एक साथ सोच के लिखते हैं या जैसे जैसे आपके मन में विचार आता है वैसे देखो जब हम कविताएं लिखते हैं तो शब्द खुद खुद बनते चले जाते हैं अच्छा उसमें हम सोचते नहीं है हुँ हुँ हुँ। चलते जाते हैं अगर हमने कहानी लिखनी है उपन्यास लिखने हैं तो उस समय हम पहले उसे लिख लेते हैं अच्छा। उसके बाद उसे फिर हम फेर करते हैं उसे फिर उसकी सही पांडुलिपि बनाते हैं कि एक शब्द एक पैरे में कितने बार आया है अच्छा ऐसा भी मतलब नोट किया जाता है नोट किया जाता है कि एक शब्द बार बार ना आए अच्छा 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 कुछ शब्द जो है आ, एक मानिए फूल शब्द है तो फूल शब्द के कितने शब्द हैं पुष्प है सुमन है ठीक है, हाँ, है।, तो है।, है तो एक ही शब्द को फूल फूल का यार इसे इसे नॉलेज इस नहीं है इसे ये क्या ये ये साहित्यकार क्या है जी, एक ही शब्द को दूसरा भी हो सकता है ये तो इसलिए हम एक स्टेंजे में एक पैराग्राफ में हम देखते हैं कि एक शब्द बार-बार आए बार उसे बदल देते हैं जी 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 wow. एक ये क्वेश्चन मुझे काफी समय पहले पूछना चाहिए था आ, लेकिन फिर भी अभी मुझे दोबारा ध्यान आया ये जो हम पंक्तियां जो पहरा जो हम एक संग्रह जो उपन्यास ये सब जो है इनका नाम वही जैसे कविता है ये कविता चीज है क्या कविता शब्द ही क्यों दिया गया देखो कविता एक लय है अच्छा जो चीज लय में गाई जाती है जो हमें एक आनंद दे एक रस दे उसे हम कविता कहते हैं जो कहानी है कहीं भी और नहीं भी कोई विश्वास करता है कोई नहीं करता अच्छा कहीं भी और नहीं भी कहानी तो उसे कहा जाता कहा जाता है जी जी। तो उपन्यास जो है समाज में जो हम देखते हैं वो आप वो हम समाज के सामने जो रखते हैं उसे उपन्यास मतलब उसका दूसरा दर्पण दूसरा दर्पण जो है दर्पण हो जाता है जी जो जो उपन्यास है 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 वो का है। जो है, वो समाज समाज का का दर्पण दर्पण साहित्य बहुत अच्छी बात है देखो आ, हमने ये सब कभी सुना नहीं था लेकिन फिर भी हमें इन सब की चीज की जानकारी मिलती है आइए बढ़ते हैं आपके दीप यात्रा की ओर आगे आपने लिखा है वह जेठ में पहलगांव है धनी वर्ग ही हुआ धनी दाम बनाए उनके काम नेता अफसर जिनके अपने जिनके इशारे बढ़ते दाम पेट पालना हुआ कठिन अब पर लाश जगाना है दुश्वार लकड़ी कफन क्रिया कर्म में चाहिए कम से तीस हजार ये अपने क्योंकि जब हम किसी मुर्दे जहां तक मेरी सोच इस इन पंक्तियों को जोड़ के होती है कि किसी का हम किसी को हम जलाते हैं तो क्या वहाँ पे क्रियाक्रम के लिए पैसे दिए जाते हैं वो तो एक संस्कार के लिए संस्कार भी आज इतना आसान नहीं रहा जी जिस समाज में हम जीते हैं उस समाज के नियम के मुताबिक हमें अंतम जो उसका सोलवा संस्कार होता है वो भी किया जाता है हरिद्वार में जाना अर्थियाँ चुगना जी, 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 जी जा जैसे जैसे उसके जो आ, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है जिस समाज में हम रहते हैं हम उसी का पालन करते हैं तो हर चीज महंगी होती जा रही है इंसान का जीना इंसान का जीना दुश्वार होता जा रहा है मतलब मरना भी हमारा महंगा है बिल्कुल पेट पालना महंगा हो गया है <laughs> जी मतलब एक मर जीना तो खैर ठीक हाँ, है हाँ। पेट पालना भी ठीक है हाँ। पर आपने जो लिखा भी है।, भी मरना मरना भी है।, है, है वो भी भी मरना मरना एक महंगा हो हो गया गया जी कठिन गरीब आदमी वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा वो कफन के लिए लाए क्रियाकर्म कहा से लाएगा हरिद्वार उसने जाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए आने उसका भ्रम बोझ भी उन्होंने लोगों ने करना है और लोगों से खाया है लोग जीने नहीं देते समाज बाले जो बड़े लोग हैं वो वो बड़ी दावत करते हैं हाँ। हमारा बुजुर्ग चला गया हम उसकी दावत कर रहे हैं गरीब कहाँ जाएगा अले कहते हैं भी खाया तो हमें खिलाओ तो उसे मजबूर हो करके कुछ कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज कब चुकतेगा ये नहीं पता कुछ पता नहीं तो जीना तो दुश्मार हुआ ही मरना भी सोच से ज्यादा बीमारियां लगती हैं जी 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 बहुत अच्छा है आगे आपने लिखा है लिखते मैं तो लिखते मैं तो हार गया हूँ इस मानव की लंबी कहानी तू ही बता कैसे हो दीप जीवन में अब नई रवानी धर्म कर्म वीर ऋषियों हर एक नीति रीति को जाना है अच्छे बुरे को युग युग में हर पहलू से पहचाना है दीप तो यहाँ पर आपने अभी हमारे कुछ पिछले चंद एपिसोड में हमारी राजनीति के बारे में ही बातें चल रही थी। लेकिन आपने यहाँ पर भी एक धर्म कर्म रीति नीति को जाना है तो यहाँ पर भी आप क्या राजनीति को लाना चाहेंगे नहीं इसमें देखिए दीप जब से इंसान के संग चला वो उसका विश्वास साथी रहा है हमारे ऋषियों ने पैगम्बरों ने पीरों ने गुरुओं ने जो लिखा वो दीप की रोशनी में लिखा और वो लिखते के दीप देख रहा है किंतु बोल नहीं रहा है को विश्वास साथी बात बहुत अच्छी लग रही और है और मौन रहता है वो जी, जो विश्वास साथी होगा वो इंटरफियर नहीं करेगा कि ये काम कर रहा है मैं बोलूंगा तो ये उसकी भाषा मौन है दीप की जो जो उसका स्वभाव है वो सेवा करना है बोलना नहीं है ना उसके बदले में भी कुछ चाहना है जो लोग समाज को कुछ देते हैं समाज सुधारक गुरु पीर या जैसे बाबा जी ने अपना सब कुछ त्याग करके इतना बड़े हीरो को व्यापारी होने के नाते होने पर भी उन्होंने अपना सर्वस्व इस मिशन को ब्रह्म कुमारी मिशन को उसने चलाया और अपना सर्वस्व एक दान कर दिया एक ट्रस्ट के रूप में जी, 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 वो बोले नहीं उनको एहसान नहीं जताया तो ऐसे लोग जो करते हैं वो एक ऐसा दीप बन जाते हैं जो अमर और अमित है जिनकी रोशनी में लाखों नहीं करोड़ों जो आत्माएं हैं वो पवित्र बनती हैं और समाज को नया रास्ता दिखाती है जो एक मानव को जरा सच रास्ते पे चलना चाहिए वो रास्ता उन्हें दिखाती हैं। वो निस्वार्थ बात सेवा करते हैं प्रमाण से सेवा करते हैं यहाँ पे आपने लिखा कि धर्म कर्म वीरो ऋषियों वीरो तो चलो मान लिया वो तो एक अपने भारत के लिए अपनी वीरता को एक वीरगति प्राप्त करते हैं ऋषियों को भी मैंने मान लिया कि वो पहले की जो जो के जो जमाने के जो ऋषि थे उनको मान दे सकते हैं क्योंकि आजकल के जो ऋषि मुनियों की बात की जाए वो तो देखने में मिलते ही नहीं है बहुत कम है लेकिन यहाँ पे धर्म कर्म की बात में आपसे करना चाहूंगी कि धर्म -कर्म, कर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिये धर्म क्या है धर्म को वस्तु नहीं है जैसे हाथ में पकड़ करके दिखाया जाए जी। जितने भी मिशन हुए हैं धर्म हुए हैं यो हमारे पीर अवतार सुधारक हुए हैं उन्होंने इंसान के लिए कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों को धारण करना ही धर्म है धर्म है कि आदमी करुणा में हो प्रेम में हो और वो निस्वार्थी हो परमार्थी हो वो सहायता करने वाला हो जरूरतमंद के वो काम आने वाला हो तो यहाँ पे धर्म को कर्म के साथ जुड़ रही है कर्म को धर्म के साथ जुड़ रही है। देखो कर्म और धर्म एक चीज है कर्म जो है गीता में भगवान ने कहा है कि हमारे जो कर्म है वो हमारे अनुभव का आधार है वही धर्म का आधार है जी और वो जो कर्म है वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए कर्म हमारे जीवन में दिखना जीवन में चाहिए, दिखना चाहिए कि 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 हम किस तरह का कर्म कर रहे कर हैं प्रैक्टिकल क्या है मैंने बाबा की बात की मैंने बाबा गुरु नानक जी की बात की कि जब उसे पूछा गया कि हिंदू बड़ा है जो मुसलमान उसमें जिसका अमल बड़ा है हाँ। आ, अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी जहाँ भी बात अमल की है बात पढ़ने और लिखने की नहीं है तो बाबा ब्रह्मा बाबा के को लोगों ने दिन को भी देखा रात को भी देखा कि एक एक संत पुरुष है तभी जो छोटी उम्र की बच्ची थी उन्होंने उनको उनके हवाले की और उन्होंने उनसे तप करवाया और जैसे जैसे लोगों ने देखा कि ये एक समाज सुधारक है और दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो महिलाओं के नाम पे हो हाँ, ये, बहुत पहली संस्था है जी, जी जो महिलाओं के नाम पे हो उन्होंने महिलाओं को बहुत मान दिया बाबा नानक ने लिखा है ताकि वो मंदा आखिए जिन रमे जिन जमे राजान, बाबा नानक ने पहले चोट की थी स्त्री के ऊपर कि उस स्त्री को उस महिला को उस देवी को क्यों बुरा कहा जाए कि स्त्री बुरी होती है बुद्ध ने स्त्री को विष की बेल कहा कि ये वो विष है जो विष होते हुए भी अमरता लगता है किंतु बाद में उसने भी माना कि नहीं कि जो विश्व नहीं है जो अमृत है, है। जो गंगा की धारा है जो समाज को इतना कुछ देती जारूर, है उसको वो विश्व नहीं हो सकता ये तो अमृत कलश है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आगे चलते हैं ओ दीप ओ दीप तू हर युग में रहा हर एक संग हर एक के संग देखा सुना और समझा पर तू रहा सदा असंग अपने कर्तव्य भाव नहीं है कभी भी तूने मुखे मोड़ा हर एक प्राणी के गुप्त भेद को नहीं सामने किसी के तोड़ा मतलब आपने एक दीपक को ये कहा है तू अकेला है बिल्कुल और कभी किसी के संग नहीं है हाँ। संग हो करके निरपेक्ष भाव से वो देखता है सब कुछ हो रहा है दीप के ही प्राजंस में उपस्थिति में सब कुछ हुआ है अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है किंतु उसने हाँ। किसी के अच्छे बुरे कर्म जी, के जी। किसी के आगे उसने अभिव्यक्ति नहीं की है सामने उसने देखो ऐसा साथी दुनिया में कोई नहीं है या ऐसा कोई भी ऐसा रोज का साथी नहीं है हाँ हाँ कुछ जो साथ रहने के साथ जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं अच्छे जहां वो किसी के सामने उसकी अभिव्यक्ति करे उसकी कमजोरिया कमजोरिया बताए या उसके गुण बताए वो दोनों से निर्लेप है वो है। रोशनी दे रहा है उसका काम है मैंने रोशनी देनी है कोई क्या कर रहा है जो मुझे नहीं मालूम जो समाज देखे <laughs> आपने लिखा है कि अपने कर्तव्य भाव नहीं है कर्तव्य की भावना देखिए हमारी सीमाओं के ऊपर प्रहरी है सेना है सैचन ग्लेशियर के ऊपर देखिए कितने कितने फुट बर्फ है माइनस कितना चल रहा है वहाँ पे किंतु फिर भी वो कर्तव्य भाव से प्रेम से अपने कर्तव्य को देखते हुए बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं माँ बाप कैसे हैं वो ये नहीं देख रहा वो अपने कर्तव्य को देख रहा है कि मैं मिट जाऊं मेरा मुल्क सुरक्षित रहना चाहिए हम तभी सुरक्षित हैं जब वो वहाँ पे खड़े हैं जब वो वहाँ पर खड़े नहीं होंगे हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे दुश्मन हमें घेरेगा आकुपाई करेगा और अपनी मन पर्ची करवाएगा जी जी मतलब कहने का भाव यह है कि जो वीर है इतने कठिन अपने जीवन को डालकर अपने हमारी सुरक्षा के लिए वो खड़े हैं खड़े हैं तो एक हिसाब से ये भी बोल, बोला जा सकता है कि हमें उनके परिवार की भी सुरक्षा करनी चाहिए जहाँ तक मैंने जहाँ तक आज दिन तक देखा कि हमारे आस-पड़ोस में जो भी आ, ये आर्मी के जो परिवार रहते हैं वो अगर किसी मुसीबत में होते हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी आजकल सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाने जा रही है और कुछ बनी है जी मैं आपसे इस बारे में इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारे गांव में एक गरीब महिला है उनके पति ऐसे ही वीर थे और अभी कुछ चंद महीनों पहले उन्होंने शरीर मतलब अपना मत मतलब अपने आप को बलिदान कर दिया भारत की रक्षा के लिए तो अभी वो ऐसे गांव में है कि उनका परिवार बैकग्राउंड भी जो है वो बहुत ही गरीब है अभी अभी वो जो बेटा था उनका भी अभी ही उस आर्मी में गया था और तुरंत के तुरंत कुछ महीनों बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उसके लिए क्या करना चाहिए अभी तो उनके पास कोई साधन ही नहीं है एक ही एक पुत्र था ऐसे कई हैं भारत में देखिए भारतवर्ष में शूरबीरों की कमी नहीं रही है कभी भी नहीं रही है किंतु इसके बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं स्वार्थी लोग हैं जब से सृष्टि चली है इसके बीच में वफादारी भी वफादार भी हुए हैं और बीच में हम कह सकते हैं कि वो आ, चंद सिक्कों के बदले भी बिकने वाले भी हुए हैं हम दसवीं पातशाही को लेते हैं कि रसोई ने बताया था कि इनका परिवार जो है जो दो साहबजादे जो जा रहे हैं छोटे वाले साथ माता जा रही है आप इन्हें पकड़ सकते हैं उनको पकड़वा दिया था उनका सोई था सो ऐसे जो घर के बेदी होते हैं वो लंका को डाल देते हैं। और आजकल जो मैं तो ये कहता हूँ जो अपना बलिदान दे देते हैं, जी, जी, जी। सरकार का समाज का गांव का ये फर्ज बनता है कि उनकी हर तरह से ही मदद करे साहस दिलाए उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ जरूर जरूर बिल्कुल और मैं ऐसा कुछ पढ़ भी रहा हूं, देख भी रहा हूं कि सरकारों ने अब कुछ ऐसे स्टेप उठाए हैं कि उनकी उनके घर वालों को कुछ नौकरी देने का ऐसा उपक्रम उक, किया है जी, जी, मैं आप और जी पैसों की जो पेमेंट पहले होती थी उससे ज़्यादा बढ़ाई है उन्होंने उनको मान भी दिया है सम्मान भी दिया है उनके नाम भी ऊपर कुछ चीज़ें कुछ गांव के कोई को ऐसे पिलर आप हम कह सकते हैं कि प्रवेश द्वार उनके नाम पर बनाए गए जी के शहीद जी सो एंड सो सो ये उनका एक अगर ऐसा वीर जो गति को प्राप्त होता है नौजवानी में तो लोग उस प्रवेश द्वार को देख करके उसे शीश झुकाते हैं वो अमर अब वो अमर हो जाता है जरूर जरूर चलिए आगे चलते हैं कौन तुस्सा विश्वस्त साथी साथी करे सेवा रहे फिर मोन अपने अपने में जल जल रोशनी देना तो सत्यागी होगा कौन यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है विद्या भक्ति हर विधा का हर साधक है तू आधार हे ज्ञान अर्जन ज्ञान वर्धन मंदिर ज्ञान लोक का तू आगार मंदिर मस्जिद धर्म स्थल में राम मोहम्मद तेरे नाम एक ज्योति जले अखंड जो सब जीवों में एक समान अटूट भाग बहस ब्रह्म सत्ता का नहीं कोई है तेरे समान पर तेरी शक्ति महिमा को संसार मानता उच्च महान तो मित्रता आज दिन तक निभाता रहा कोई भी जो रचना की गई जी। वो इसकी लो में की गई हमारे ऋषियों ने दीप की रोशनी में रिग वेद लिखे हाँ वेद लिखे चारों वेद लिखे गए उपनिषद लिखे और पुराण लिखे गए स्मृतियाँ लिखेंगे अरण्य लिखे गए ग्रंथ साहब लिखा गया जिस कबीर साहब ने जो लिखा एहरादास जी ने जो लिखा और नामदेव जी ने जो लिखा वो एक रोशनी में बैठ करके के लिखा वो दीप की हाजिरी में लिखा Hmm. वो रहा है, वो जल रहा है वो साथ दे रहा है अगर दीप साथ लिख ही नहीं पाते अंधेरे में क्या लिख पाते वो hmm. मंदिर हो मस्जिद हो कोई धार्मिक स्थल हो वहाँ पे ज्योति जो जलती है वो उसी का नूर है वो था? उसी का एक बहुत रूप है। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपने यहाँ पर एक लाइन ली है मंदिर मस्जिद धर्म स्थल में राम मोहम्मद तेरे नाम एक ज्योति जले अखंड जो सब जीवों में एक समान ये आपने उस दीप के नाम ही मैंने अर्पित कर दिया अर्पित कर दिया कि तुबे तुझे अगर जे कहें कि तुझे हम कुछ दे सकें दे तो कुछ नहीं सकते हम किंतु हाँ तेरी जो महानता है उसके लिए मैं चांद शब्द तुझे अर्पित कर रहा हूँ जी आगे टूट भाग ब्रह्म सत्ता का ये आपने ब्रह्म सत्ता आ, किसके लिए देखो जो परमात्मा है जो उसी का एक रूप है उसी का एक अंश है जैसे हम उस परम पिता परमेश्वर की एक नूर की हम संतान है जी जब तक वो हमें जलती है जब तक हमने है तो हम हैं जब वो निकलती है जब वो रोशनी सूर्य के रूप में जब वो एक आत्मा के रूप में निकलती है तो हम क्या हो जाते हैं अंधेरे में हो हैं हमारा अस्तित्व अस्तित्व खत्म हो जाता है 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 तो ऐसे ही जो दीप है, उसका अस्तित्व जो दीप उसका उसके अस्तित्व से ही ये सारा कुछ है ये उसी नूर का एक अंश है यशपाल जी आपकी ये दीप यात्रा हमको इस कविता से मैं जहाँ तक अपने जीवन में जानूं आपने अभी आज इस एपिसोड में वीरों के बारे में ज़्यादा बात की कि जो वीर हमारे इस भारत को रक्षा देने में वीर गति में प्राप्त हुए उनको हमें नमन करना चाहिए साथ ही साथ आपने सरकार के लिए ये बोला कि उनके लिए कुछ मदद करें जो आज दिन तक वो अभी कर भी रहे होंगे आपने इस कविता में इस चिराग में से दीप यात्रा की आपकी ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है अगली कड़ी में हम आपसे फिर से दोबारा मिलेंगे और आज के लिए हम आपसे लेते हैं विदा ओम शांति आज हमने दीप यात्रा यहाँ पर खत्म की हमने इस कविता में बहुत कुछ सीखा मैंने तो सीखा ही सीखा साथ में आपने भी सीखा आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि वीरों को हमें कैसे नमन करना चाहिए वो वीर माइनस के टेम्परेचर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हम यहाँ पर अपने त्यौहार मनाते हैं किस लिए इसी वजह से कि वो हमारी रक्षा करते हैं मैं उन वीरों को अपनी तरफ से शत शत नमन करती हूँ अगली कड़ी में यशपाल जी की नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होती हूँ नमस्कार ओम शांति ओम शांति धन्यवाद